वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम मई महीने के प्रथम वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और किस तरह के प्रश्न आएंगे उसका मैंने कुछ एग्जांपल भी लिया है, जैसे कि रुआंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन कहाँ होगा। इस तरह के दोस्तों कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं और जो प्रश्न आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे उस इसी का जवाब दोस्तों आपको वीडियो के एंड में देना है। तो आइए शुरू करते हैं मई महीने के प्रथम वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो सऊदी अरबाको बनी है। कौन बनी दोस्तों? सऊदी अरबाको बनी है। फीफा, तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा के चेयरमैन कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में हुआ है। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है और दुबई में ICC का हेडक्वार्टर है, याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण का शुभारंभ हुआ है? तो तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और चेन्नई में दोस्तों चमरा अनुसंधान संस्थान है। चेन्नई में चपक स्टेडियम कहाँ है? तो चेन्नई में है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? तो दुबई में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और दुबई में ही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर पनडुब्बी को लॉन्च किया है? तो दोस्तों चीन ने पाकिस्तान के लिए हैंगर पनडुब्बी को लॉन्च किया है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। चीन की राजधानी दोस्तों क्या है? बीजिंग है। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है। और ईरान की राजधानी क्या है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म मिला है? तो याद रखना, अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को दोस्तों 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोरस का जीवाश्म मिला है। अब अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। यहाँ की करेंसी क्या है? अर्जेंटाइन पेसो। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है मेरे लाल एवं लालियो? तो जेवियर माइली है यहाँ के प्रेसिडेंट। दोस्तों ध्यान से पढ़ना, मैं आपसे वीडियो के एंड में प्रश्न करने वाला हूँ, उसका आपको सही सही जवाब देना है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ना मेरे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य की जीना जस्टर को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो केरल की है जीना जस्टर। कहाँ की है जीना जस्टर दोस्तों? केरल की है। क्या दिया जाएगा इसे? कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल का उपनाम है मसालाओं की रानी के नाम से जानते हैं केरल को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और यह मनाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है और जनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। ILO की स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो दोस्तों गिलबर्ट होनगुबू है इनके डायरेक्टर जनरल। और याद रखना, ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है शांति के क्षेत्र में। कब दिया गया? 1969 में दिया गया है दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हमारा अगला प्रश्न है, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 46वीं अंटार्कटिक शिखर संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखना, अपना प्यारा देश भारत करेगा दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और पुतिन बाल्कन ग्रुप ने कहाँ संविधान गार्डन बनाया है? तो याद रखना दोस्तों, पुणे में बनाया है और पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। पुणे में दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। तो जरा आप बता दो, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान किस शहर में है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है दोस्तों। चेन्नई में चपक स्टेडियम है। मेरे लाल एवं लालियो, नई दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है। ITBB का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत अगले 5 वर्ष तक किस देश के प्रशासनिक अधिकारी को प्रशिक्षित करेगा? भारत अगले 5 वर्ष तक किस देश के प्रशासनिक अधिकारी को प्रशिक्षित
सम्मिलित करेगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश के अधिकारी को। दोस्तों किसको? तो बांग्लादेश की। अब आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे होंगे विभिन्न देशों के संसद के नाम। तो नेपाल का संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र का है पीपुल असेंबली। बांग्लादेश का है जातीय संसद। मलेशिया का है दीवान निगारा। अफगानिस्तान का सोरा है। ताइवान का युआन है। रूस का ड्यूमा है। स्पेन का कोर्ट्स है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट है। जर्मनी का बुंडेस्टैग है संसद का नाम। मंगोलिया का खुरल है। ईरान का मजलिस है। दोस्तों ईरान के संसद का नाम क्या है? मजलिस। डेनमार्क के संसद का नाम है फॉलकेटिंग। कनाडा के संसद का नाम क्या है? तो पार्लियामेंट है। स्वीडन के संसद का नाम है रिक्सडॉग। नॉर्वे के संसद का नाम है स्टॉटिंग। भूटान के संसद का नाम है तो सोंगडू। और पोलैंड के संसद का नाम क्या है? तो सोजिम है। दोस्तों क्या है? सोजिम है पोलैंड के संसद का नाम। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, मैंने अभी आपको इतने सारे देशों के संसद के नाम बताए, तो जरा आप एक संसद का नाम बता दो जो मैंने अभी बोला है, डेनमार्क। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? हमारा अगला प्रश्न है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो मेरे लाल एवं लालियो इसका आंसर आप याद रखना, कौन बने हैं? तो हितेश कुमार सेठिया बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? हितेश कुमार सेठिया बन गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो काठमांडू बना है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। दोस्तों नई दिल्ली में मैंने तुरंत बोला था डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर है। दोस्तों और पटना, दोस्तों पटना बिहार की राजधानी पटना है। दोस्तों और पटना में मोइन उल हक स्टेडियम जो है ये पटना में ही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं मेरे लाल एवं लालियो। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो देखो हाल ही में किस देश ने धन संकट से निपटने के लिए अपनी नई मुद्रा ZIG लॉन्च की है, जिंग लॉन्च की है? तो याद रखना जिम्बाब्वे ने। दोस्तों किसने लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब दोस्तों याद रखना जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट कौन है? इमरसन मनंगुआ है जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट मेरे दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये आपको मैप में जिम्बाब्वे दिख रहा होगा, दोस्तों यही जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे के बगल में जाम्बिया है, नाम्बिया है दोस्तों, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है दोस्तों, मोजाम्बिक है, ये सब जिम्बाब्वे के पड़ोसी देश में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हाल ही में किस देश ने मानवीय संकट से निपटने के लिए विश्व बैंक से 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर मांगा है? हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जो मानवीय संकट से निपटने के लिए 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की है? तो याद रखना अफगानिस्तान ने। दोस्तों किसने मेरे लाल एवं लाली हो? तो अफगानिस्तान में ने। अब देखो वर्ल्ड बैंक से मांगा है ना, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 7 जुलाई 1944 को। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। और वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अर्थात मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो इंद्रमित गिल है। कौन है मेरे लाल एवं लालियो? तो इंद्रमित गिल है वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। और चेयरमैन कौन है? अजय बंगा, याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? 3 मई को मनाया गया है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया और 2 मई को विश्व टीवा दिवस मनाया गया। मेरे लाल एवं लालियो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के बल्लेबाज ड्वेन थॉमसन पर मैच फिक्सिंग के कारण 5 साल का बैन लगा दिया गया है? ऐसे दोस्तों यह किस देश के ड्वेन थॉमसन है जिस पर मैच फिक्सिंग के लिए 5 साल का बैन लगा दिया गया है? तो वेस्टइंडीज। दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से यह खेलते हैं ड्वेन थॉमसन, याद रखना। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत करेगा दोस्तों, अपना प्यारा देश भारत। अब बैडमिंटन के संदर्भ में एक ट्रॉफी का नाम बता दो दोस्तों, बता दो आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा वैसे डेनमार्क की राजधानी क्या है? कॉपेनहेगन दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। नीदरलैंड की राजधानी एमस्टर्डम है मेरे लाल एवं लालियो। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नक्षत्र सभा खगोल पर्यटक की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। दोस्तों किसने घोषणा किया है? उत्तराखंड ने किया है। अब उत्तराखंड ने किया है तो देखो उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यसभा कितना है? 3। लोकसभा कितना है? 5। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाइयों? तो जरा बता दो अब कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड का दोस्तों पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है दोस्तों, और नेपाल और चाइना पड़ोसी देश है उत्तराखंड के।
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो याद रखना रांची में हुई है। तो ऑप्शन में दोस्तों झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में हुआ है, हो रहा है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024। अच्छा, हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद है हॉकी के जादूगर। दोस्तों कौन है हॉकी के जादूगर? मेजर ध्यानचंद। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? या हाल ही में किस देश का रुआंग ज्वालामुखी फटा है? तो याद रखना इंडोनेशिया का। दोस्तों इंडोनेशिया का रुआंग ज्वालामुखी फटा है और इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला कंट्री है। अब देखो दोस्तों, ज्वालामुखी तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू, जो हवाई द्वीप पर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं स्ट्रोम्बोली को, जो सिसिली द्वीप दोस्तों वहां पे है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है, जो हवाई में है। दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजिस डेल सलाडो है, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, किस डेयरी कंपनी को आगामी T20 विश्व कप के लिए अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीमों का प्रायोजक नामित किया गया है? तो अमूल को दोस्तों। किसको किया गया? अमूल को। और दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप, दोस्तों T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है, तो याद रखना रणजी ट्रॉफी। कौन सा रणजी ट्रॉफी? ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है मेरे लाले एवं लालियों? तो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो देखो हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 159 और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर कौन है? स्वीडन। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कॉपेनहेगन। और स्वीडन की राजधानी क्या है? एक तो आप बता दो मेरे भाइयों। अब दोस्तों जानते हैं महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में मेरे लाल एवं लालियों। अब हम जानेंगे महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में। तो मैंने तो अभी तुरंत बताया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और स्वीडन तीसरे स्थान पर है, और भारत का स्थान क्या है? 159। देखो विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, आइसलैंड तृतीय स्थान पर है, भारत है 126वें स्थान पर और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। 30 वर्ष से कम युवाओं के बारे में बात करें तो लुथियानिया है खुशहाली में दोस्तों प्रथम स्थान पर, और 60 वर्ष और उससे अधिक के बारे में बात किया जाए तो डेनमार्क है सबसे खुशहाल देश। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों देखो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है और फ्रांस तीसरे स्थान पर है, और भारत का स्थान क्या है? 42। हेरल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस है प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान क्या है? 85। मेरे लाली पम लालियो देखो ये 2023 के इंडेक्स है, याद रखना 2023, ये सब जो मैंने बताया वो 2024 का है और ये 2023 का है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 40 है। फीफा विश्व रैंकिंग में अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 99 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? तो 161 है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 11। भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 93 है। और यातायात सूचकांक में लंदन है पहले स्थान पे, लंदन और बेंगलुरु दोस्तों भारत में 6 रैंक पर आया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कोयला खनिक दिवस कौन सा दिवस मेरे लाल एवं लालियो? तो कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया है? 4 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया? तो 4 मई को मनाया गया। देखो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया है। तो ये अब तक के मनाए गए मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस है। रट लो मेरे भाइयों, एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है यहां से प्रश्न की कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया है, तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? 4 मई को मनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान ने दोस्तों। किसने अपनाया है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। और चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है मेरे लाले एवं लालियों। अब देखो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ता ने
हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने चेतुमल खारी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है? तो दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की जो खोज की गई है वो मैक्सिको के शोधकर्ताओं ने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों मेरे लाल एवं लालियों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहले खारी युवा खेलों का आयोजन समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? पहले खारी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? तो याद रखना दुबई में हुआ है। और दुबई में किसका हेडक्वार्टर है? तो दुबई में दोस्तों आईसीसी का हेडक्वार्टर है, याद रखना मेरे लाल एवं लालियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जेरेमिया मानेल को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए झांग ई 6 चंद्र अन्वेषण मिशन लॉन्च करेगा? तो चाइना लॉन्च करेगा, चाइना। दोस्तों चंद्रमा का अध्ययन किसमें होता है? तो सेलेनोलॉजी में होता है चंद्रमा का अध्ययन। दोस्तों मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रयान 3 ने दोस्तों चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो जिस जगह पर लैंड की है उस जगह का नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। तो कब चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया और कब वहां पर सफलतापूर्वक उतरा है, इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान लॉन्च किया है? तो नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, ऑल इंडिया रेडियो AIR एयर मौसम, याद रखना एयर मौसम, एयर दोस्तों हवा, मौसम तो याद रखना मौसमी चक्रवर्ती, ऑल इंडिया रेडियो के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मौसमी चक्रवर्ती। मेरे लाल एवं लालियों अच्छे से ध्यान देकर पढ़ो, याद रखना वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा को। राइट आंसर ए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो देखो, हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। कौन बना है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर थे। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर। और चंडीगढ़ दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है, कौन कौन सा राज्य? तो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। मेरे लाल एवं लालियों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी डिलीवरी ने 100% महिला नेतृत्व वाला हब कहां शुरू किया है? तो याद रखना राजस्थान में शुरू किया है। कहां शुरू किया है? राजस्थान में दोस्तों शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया? डिलीवरी के द्वारा किया गया है, भारतीय लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी है, जिसने 100% महिला नेतृत्व वाला, मतलब इसमें जो भी वर्कर काम करेगी वो महिलाएं ही होगी। और यह कहाँ शुरू किया गया है? तो राजस्थान में शुरू किया गया है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है और डेजर्ट नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका जवाब आप दे दो कमेंट बॉक्स में कि कौन सी कंपनी है जो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाली मोटरसाइकिल को सफलतापूर्वक लॉन्च करेगी। तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? तो सरयू नदी का पवित्र जल। और सरयू अयोध्या जो दोस्तों है, ये सरयू नदी के किनारे है, श्रीलंका में भेजा जाएगा। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनमपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धना। भारत और श्रीलंका को जोड़ती है आदम का पुल या राम सेतु। भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जलडबरू मध्य, याद रखना दोस्तों। और कच्छा तुवी द्वीप ये भारत और श्रीलंका के बीच विवादित है, याद रखना, वैसे ही श्रीलंका के पास है अभी। अगला प्रश्न हमारा है, मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैशाली रमेश बाबू को सम्मानित किया गया है। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से दोस्तों पढ़ो क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लाल एवं लालियों। तो मेरे लाल एवं लालियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 6 मई को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 6 मई को बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV लॉन्च कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV दोस्तों बेंगलुरु में दोस्तों लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, देखो बेंगलुरु स्थित रक्षा और एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म
फ्लाइंग वेज डिफेंस ने बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 200B का अनावरण किया है, बेंगलुरु में किया है। तो भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे बोला गया है? बेंगलुरु को बोला गया है। बेंगलुरु में मेरे लाल एवं लालियो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अच्छा लाल एवं लालियो आप ये बता दो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मेरे दोस्तों देखो, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमगलुरु में है, और एन चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलुरु में है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? इमेज में भी दोस्तों दिख रही होगी आपको, ये कौन है? इसका जवाब आप दो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों देखो, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके हेड कौन है? तो याद रखना, कैथरीन एम रसेल इसके हेड है, और इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में हुई। कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पिंकी कुमारी, बिस्लरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण, रिलायंस जियो मार्ट के महेंद्र सिंह धोनी, SBI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, और मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रणवीर कपूर बने हैं, मेरे लाले पमलालियो। हमारा अगला प्रश्न है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 5 मई को मनाया गया है। अच्छा 4 मई को मनाया गया कोयला खनिक दिवस, तो 6 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? ये आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि 6 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला, हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपये का नोट जारी किया है? तो दोस्तों याद रखना, नेपाल ने जारी किया है। किसने जारी किया है? नेपाल ने। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा मई महीने के प्रथम वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और मैंने जैसा कि बोला था कि मैं वीडियो के एंड में आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, तो हमारा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये हमारा प्रश्न है, रुवांग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व प्रेस सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन कहाँ होगा? भारत के पहले नक्षत्र सभा खगोल पर्यटक कहाँ खोला गया है? और विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? मेरे प्यारे लाली बम लालियों, इस प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बहुत ही जरूरत है, ताकि आपको इससे पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ। याद रखना मेरे दोस्तों, तो इस सारे प्रश्न का जवाब आप दो कमेंट बॉक्स में, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्त अपने मित्रों को भी शेयर करो। थैंक यू सो मच मेरे लाली बम लालियों।